सुधीर राजी, आज बहुत तादाद के अंदर पहले से ज़्यादा इस बार भीड़ है और सभी लोग बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि 14 अप्रैल 2018 को एक डिक्लेरेशन हुई है जो पूरी दिल्ली ने और पूरे इंडिया ने की है, जिसमें ये घोषित किया हुआ है कि आज के बाद दलित शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली आज के बाद बंद किया जाता है, समाप्त किया जाता है, एबॉलिश कर दिया है, और इसकी जगह पे बहुजन या मूल निवासी शब्द इस्तेमाल होगा। यानी जो SC ST नहीं नहीं बहुजन का मतलब है भारत के जो ज़्यादातर लोग हैं जो यहाँ, और मूल निवासी जो यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट हैं, मूल निवासी हैं, तो SC ST OBC माइनॉरिटी को बहुजन कहा गया है। तो यहाँ जो लोग आए हैं ना आज, इन ये बहुजन हैं और कुछ जनरल के लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ उद्घाटन वगैरह किए हैं जो आ रहे हैं, तो ये भीड़ इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अब बाबा साहब की जो स्वीकारता है और जो स्थापना है वो इंटरनेशनल हो चुकी है। अब वो क्या बोलते हैं, देश से बाहर निकल के जा चुके हैं और दुनिया में जा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ लोग अब ये मानने लगे हैं कि बिना बाबा साहब के काम चलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने दिल से स्वीकार करना शुरू कर दिया। सर, ये देखा गया है तो इस बार जो पिछली बार से और अच्छा इंतजाम है कि जो एक यहाँ जो बाबा साहब की जो जयंती मनाई जाती है, जयंती मेला समिति बना दी गई है। नहीं, ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है मेला, ये लिखा जयंती मेला, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हो चुका है। अब ये एक जात या एक शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का मेला नहीं रहा है, अब ये बहुजनों से भी बढ़ के पूरे भारत का मेला हो चुका है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्थापित है और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। मैं इसे 25 साल से लगातार देख रहा हूँ, यहाँ आप कितना भी सामान ले आइए हमेशा कम पड़ता है। हम पिछली बार रोज जाकर लगभग हमने अपने कॉर्पोरेशन से MCD से 1 लाख रुपये का रोपजा का पानी हमारा 3 घंटे में खत्म हो गया। इस बार हमारे एक ट्रक भर के जो केले आए उनका पता नहीं चला कहाँ है, तो अगली बार डिसाइड किया है कि हम कम से कम 2 ट्रक केले लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ इतनी तादाद में लोग आते हैं और प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं कि सब चीज़ें कम पड़ जाती हैं। पूरा भारत उमड़ता है, पूरा NCR उमड़ता है।